बाबा ने बोला है यूपी को धर्मनिरपेक्ष का खेल दिखाना है। इट इज बिकॉज बाबा हैज सेड यूपी हैज टू शो द प्ले ऑफ रिलीजियस वॉर। यूपी इज उत्तर प्रदेश, अ स्टेट इन इंडिया। तो दिखाना है। हु हैज टू शो इट? यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। यूपी हैज टू शो द प्ले ऑफ रिलीजियस वॉर। अब जब यूपी को ही धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, वेन यूपी इटसेल्फ हैज टू शो द प्ले ऑफ रिलीजियस वॉर, तो निमित्त व्यक्ति यूपी का बनेगा। विल द पर्सन हु बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू यूपी या बाहर का बनेगा और बी आउट ऑफ यूपी? यूपी का बनेगा। समवन सेड ऑफ यूपी, विल ही बिलोंग टू यूपी? अच्छा, इसके लिए क्या करना है? वॉट हैज टू बी डन फॉर दिस? विजय वर्ष में पूरी विजय प्राप्त करने के लिए करना क्या है? वॉट हैज टू बी डन टू गेन कम्प्लीट विक्ट्री इन द ईयर ऑफ विक्ट्री? करना है। इज समथिंग टू बी डन? ये अपने आप चलता रहेगा। और विल इट हैपन ऑन इट्स ओन? क्या करना? वॉट हैज टू बी डन? क्या करना पड़ेगा? वॉट विल वी हैव टू डू? क्या करना पड़ेगा? वॉट विल वी हैव टू डू? क्या करना है? वॉट हैज टू बी डन? हम बच्चों को क्या करना है? वॉट डू वी चिल्ड्रन हैव टू डू? हम बच्चों को विशेष क्या करना है? वॉट डू वी चिल्ड्रन स्पेशली हैव टू डू? है क्या करना है? वॉट डू वी हैव टू डू? जोर से बोलो ना। स्पीक लाउडली विल यू? समवन, वी हैव टू गिव योगदान, मीनिंग डोनेशन ऑफ द पावर ऑफ योग। योगदान देना है किसको? वी हैव टू गिव योगदान टू हुम? बाबा को। स्टूडेंट मस्ट हैव रिप्लाइड टू बाबा। विजवंगा बन के बाबा आया हुआ है। आयरनिकली बाबा हैज कम एज अ बेगर। बाबा को योगदान देना है। वी हैव टू गिव योगदान टू बाबा। पांच विकारों का भी दान नहीं? नॉट इवन द डोनेशन ऑफ द फाइव वाइसेस। बाबा बहुत भोगी बन गया है। बाबा हैज बिकम वेरी भोगी, मीनिंग प्लेजर सीकर। उसको योगदान देना है। सो ही हैज टू बी गिवन योगदान। है? अरे यस। हम बच्चों को कुछ नहीं करना है। वी चिल्ड्रन डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सिर्फ बाप को याद करना है। वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर द फादर। और बाप की याद भी संगठित रूप में जितनी जाती याद करेंगे। एंड द मोर यू रिमेम्बर द फादर इन अ गैदरिंग, उतना उसका असर और फोर्स जाती होगा। इट्स इफेक्ट एंड फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर टू दैट एक्सटेंट। सारे विश्व में वो वाइब्रेशन फैलेगा। दोज वाइब्रेशंस विल स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड। मधुबन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं। द वाइब्रेशंस ऑफ मधुबन स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड। तो जब सारी दुनिया में मधुबन के वाइब्रेशन फैलते हैं, सो व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ मधुबन स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड। और मधुबन है कहाँ अभी? एंड वेयर इज मधुबन नाउ? जहाँ मधुसूदन होगा वहाँ मधुबन होगा। द प्लेस वेयर देर इज मधुसूदन देर विल बी मधुबन। मधुसूदन इज अ नेम ऑफ कृष्णा। मधुसूदन सिर्फ हवा में होगा या प्रैक्टिकल में साकार में होगा? विल मधुसूदन बी ओनली इन इमेजिनेशन और विल ही बी प्रेजेंट इन प्रैक्टिस इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म? जहाँ का ज्यादा दूर से। स्टूडेंट रिप्लाइड स्पीक लाउडली। मधुबन जहाँ होगा, वेयर देर इज मधुबन, वहाँ का प्रभाव क्या होगा प्रैक्टिकल? वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट प्लेस इन प्रैक्टिस? मधुबन का प्रैक्टिकल प्रभाव क्या होगा? वॉट विल बी द प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ मधुबन? जो आए उसको ये अनुभव हो क्या? Whoever comes should experience this. What? क्या हो? What should he experience? शांति का वाइब्रेशन अनुभव। He should feel the vibrations of peace. एकाग्रता का वाइब्रेशन अनुभव हो। He should feel the vibrations of concentration. मधुरता का वाइब्रेशन अनुभव हो। He should feel the vibrations of sweetness.
और बेहद की वैराग्य व्यक्ति भी अनुभव। एंड ही शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ अनलिमिटेड डिटैचमेंट। भले माया बेचैनी घुसी रहती है मधुबन में। दो द डॉटर माया इज ऑल्सो प्रेजेंट अनइनवाइटेड इन मधुबन। तो वो बीच बीच में तकड़ा डालती रहती है। एंड शी कीप्स पुटिंग गार्बेज इन बिटवीन। आते हैं मधुबन में भाग्य बनाने के लिए। पीपल कम इन मधुबन टू मेक अ फॉर्चून। और काम ऐसे कर देते हैं जिससे नाम बदनाम हो जाए। बट दे परफॉर्म सच एक्शंस बिकॉज ऑफ विच द फादर्स नेम इज स्पॉइल्ड। लड़ेंगे झगड़ेंगे। दे विल फाइट क्वारल। धक्का मुक्की करेंगे। एंड विल जॉसल ईच अदर। हाथ पांव चलाए देंगे। दे विल एंगेज इन हिटिंग एंड किकिंग। चोरियां तोड़ देंगे। दे विल ब्रेक ईच अदर्स बैंगल्स। कपड़े फाड़ देंगे। चोरियां कर लेंगे। दे विल टेयर ईच अदर्स क्लोथ्स एंड कमिट थेफ्ट्स। ये सब क्यों होता है? सो व्हाई डू ऑल दीज थिंग्स हैपन? जब इतना ऊंचा स्थान है। व्हेन इट इज सच एन एलिवेटेड प्लेस। तो संकल्प भी बहुत ऊंचे से ऊंचे होना चाहिए। द थॉट्स ऑल्सो शुड बी वेरी एलिवेटेड। वाचा भी बड़ी ऊंची होनी चाहिए। द स्पीच ऑल्सो शुड बी वेरी एलिवेटेड। जैसे बाबा ने बोला कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। इट इज बिकॉज बाबा हैज सेड स्पीक लेस स्पीक सॉफ्टली स्पीक स्वीटली। और कर्मणा भी बहुत तेज होनी चाहिए। एंड द एक्शंस शुड ऑल्सो बी वेरी एलिवेटेड। छोटी कुछ गलतियाँ होती तो रहती हैं। वी डू कमिट सम और अदर मिस्टेक्स। जो बाप के प्यार की लगन में मगन नहीं होने दी। विच डोंट लेट अस रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन द फादर्स लव। दूसरों को भी डिस्टर्ब करती हैं और अपने को भी डिस्टर्ब करती हैं। दे डिस्टर्ब अदर्स एज वेल एज अवर सेल्फ। का कारण क्या है? वॉट इज द रीजन फॉर दिस? और कारण कौन बनते हैं? एंड हु बिकम्स द रीजन? कारण है ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। द रीजन इज लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन। जिन्होंने बाप को और बाप के श्रेष्ठताई को नहीं पहचाना होगा। दोज हु हैवंट रिकॉग्नाइज्ड द फादर एंड द एलिवेटेड टास्क ऑफ द फादर। ज्ञान की गुहियता को नहीं समझा होगा। Those who haven't understood the depth of knowledge, वही आत्मा इस तरह की भिन्न पैदा करेंगे। Those very souls will create these kind of obstacles. और इन ऐसी आत्माओं को मधुबन के वातावरण में प्रवेश दिलाने के जो निमित्त बनते हैं। And those who become instruments to let such souls enter the atmosphere of Madhuban, लेकर के आते हैं। Those who bring them. सिर्फ लेकर ही नहीं आते हैं, सरेंडर भी कराए जाते हैं। दे नॉट ओनली ब्रिंग देम बट इवन सरेंडर देम। उनके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। दे टू विल बी अफेक्टेड बाय इट। क्या कहा? व्हाट वाज सेड? संबंध में बाबा ने क्या कहा? व्हाट डिड बाबा से रिगार्डिंग दिस? मधुबन में बाप के सामने अगर कोई भिखारी को ले आवेंगे। इफ यू ब्रिंग एनी विशियस पर्सन इन मधुबन इन फ्रंट ऑफ द फादर, कोई भी विकार क्यों लो, नो मैटर वॉट वाइस इट इज, हाथी का विकार। इफ द वाइस इज एट एन एक्सट्रीम लेवल, तो क्या मिलेगा? वॉट विल ही गेट? ऐसी बुद्धि हो जाएंगे। हाउ विल द इंटेलेक्ट बिकम लाइक? अहिल्या का क्या कहेंगे? वॉट इज फेमस अबाउट अहिल्या, वाइफ ऑफ सेज गौतम, हु वॉज टर्न्ड इनटू अ स्टोन? पत्थर बुद्धि बन गई। She became the one with a stone-like intellect. जो आत्मा ऐसे शिष्ट वातावरण में रहकर के भिन्न बनने का कारण बनती है। So, the souls who, in spite of living in such an elevated atmosphere, become a cause of hindrance, vibration बिगाड़ने का कारण बनती है। Who become a cause of spoiling the vibrations, होता तो दुर्भाग्य है ही। They are anyway unfortunate. लेकिन जो लाने के निमित्त बनती है और तब उनके ऊपर भी आधा हिस्सा पहुंच जाता है, वो तो पाप का। बट दोज हु बिकम इंस्ट्रूमेंट्स इन ब्रिंगिंग देम, दे टू रिसीव हाफ द शेयर ऑफ दैट सिन। इसलिए ये विशेष कान खोल करके सुन लेना चाहिए। दिस इज व्हाई यू शुड एस्पेशली लिसन टू दिस विथ योर ईयर्स वाइड ओपन। जो परमिशन देते हैं, दैट दोज हु गिव परमिशन,
या जो पार्टी बनाकर लाते हैं, और दोज हु ब्रिंग द पार्टी मीनिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू मधुबन, वो बहुत सोच समझ करके पवन के देखभाल करके आत्माओं को लाया करें, शुड ब्रिंग द सोल्स आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली जजिंग देम एंड ऑब्जर्विंग देम। आज की झूठी दुनिया में झूठे एफिडेविट तो बहुत से बन जाते हैं। मेनी फॉल्स एफिडेविट्स आर मेड इन टूडेज फॉल्स वर्ल्ड, समर्पण होने के भी बन जाते हैं। फॉल्स एफिडेविट्स ऑफ सरेंडरिंग टू द फादर आर ऑल्सो मेड, वो कोई बड़ी बात नहीं, इट इजेंट अ बिग थिंग, लेकिन अंदर से ये परखना चाहिए, बट यू शुड जज फ्रॉम विद इन कि ये फूल बाबा के सामने ले जाने योग्य है। इज दिस फ्लावर वर्दी टू बी टेकन इन फ्रंट ऑफ बाबा। चलो, बाबा ने मुरली में कहा शंकर जी के शिव जी के मंदिर में आप धतूरे भी अर्पण हो जाते। ऑल राइट, बाबा हैज सेड इन द मुरली इवन द अक एंड द धतूरा फ्लावर्स आर ऑफर्ड इन द टेम्पल ऑफ शिव। अक एंड धतूरा मीन्स स्वॉलो वॉट एंड थॉर्न एप्पल। वो तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। आप धतूरे जैसी आत्माएं अर्पण हो जाती हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। द सोल्स लाइक द अक द धतूरा आर ऑफर्ड एंड दे टू आर बेनिफिटेड। रंग के रंग से कुछ न कुछ प्राप्ति कर लेती है। दे मेक सम और अदर अटेनमेंट थ्रू द कलर ऑफ द कंपनी। वो तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन जो गुलाब के फूल अर्पण करते हैं मेहनत करके, बट दोज हु ऑफर रोज फ्लावर्स बाय वर्किंग हार्ड, और जो गंदी जगह में गंदे स्थानों से या कहीं से भी उठाए के आप धतूरे जैसे फूलों को ले आते हैं, एंड दोज हु ब्रिंग फ्लावर्स लाइक द अक एंड द धतूरा फ्रॉम डर्टी प्लेसेस और फ्रॉम एनी वेयर, नहीं अर्पण कर गए और चले गए, एंड विदाउट बेदिंग दे जस्ट ऑफर देम एंड गो अवे, संख्या बढ़ा दी, दे जस्ट इंक्रीज्ड द नंबर, दिखावा कर दिया, हमने बड़ी सेवा की, दे जस्ट शोड ऑफ दैट दे डिड ग्रेट सर्विस, बाकी किसका ज्यादा बनेगा, सो हु विल अर्न मोर फॉर्चून, कभी ज्यादा बनेगा, विल ही टू अर्न मोर फॉर्चून, लाभ और कमल जैसे सिद्ध फूलों को अर्पण करने वालों का भाग्य ज्यादा बनेगा, विल दोज हु ऑफर एलिवेटेड फ्लावर्स लाइक द रोज एंड द लोटस अर्न मोर फॉर्चून, या अपर धतूरे जिनके अंदर से बदबू निकलती है, और विल दोज हु ऑफर फ्लावर्स लाइक द अक एंड द धतूरा दैट गिव आउट फाउल ऑर्डर अर्न मोर फॉर्चून, क्योंकि जो अपने लौकिक जीवन में बदबू धारण कर लेते हैं, इट इज बिकॉज दोज हु टेक इन बैड ऑर्डर इन देयर लौकिक लाइफ, बदबू कही जाती है व्यभिचार की, भ्रष्टाचार की, अडल्ट्री करप्शन इज कॉल्ड बैड ऑर्डर, जब तक पूरी सफाई न हो जाए, अंटिल द कम्प्लीट क्लीनिंग टेक्स प्लेस, उसके वाइब्रेशन निकलते जरूर, दे सर्टनली एमनेट वाइब्रेशंस, तो ऐसे फूलों को, सो सच फ्लावर्स, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में अर्पण होते हैं, बिकॉज दे सरेंडर फॉर द डिवाइन टास्क ऑफ गॉड, परमात्मा बाप की ओर से तो मान्यता मिली हुई, दे आर सर्टनली एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम सोल फादर, बाप तो आता ही है कांटों को फूल बनाने के लिए, द फादर सर्टनली कम्स टू मेक थॉर्न्स इनटू फ्लावर्स, तो कहते ही, इट इज एनी वे सेड, ही तो बनवाए हुए, सॉन्ग्स हैव बीन मेड, गीत बनवाए हुए, विच सॉन्ग्स हैव बीन मेड, भक्ति मार्ग में हम गीत गाते रहते हैं, वो गीत बनवाए कितने हैं, द सॉन्ग्स दैट वी कीप सिंगिंग इन द पाथ ऑफ भक्ति, हु हैव हैड देम मेड, टचिंग कितने दी, हु गेव द टचिंग इंस्पिरेशन, टचिंग दी ना, द फादर गेव द टचिंग, डिंट ही, भक्ति मार्ग में जो भी गीत बनाए गए हैं, ऑल द सॉन्ग्स दैट आर मेड इन द पाथ ऑफ भक्ति, वो टचिंग भी तो बाप ने दी ना, डन अपने अनुसार, इट इज द फादर हु गेव द टचिंग फॉर देम अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान, डिंट ही, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ही डिंट रिसीव फ्लावर्स सो ही बी फ्रेंडेड द थॉर्न्स, बाबा तो बाबा ही है, ऑल राइट, बाबा इज एनी वे बाबा, उसका तो नाम ही खुदा, हिज वेरी नेम इज खुदा, कोई सहयोग नहीं देगा तो खुद ही कर लेगा, इफ नो वन कोऑपरेट्स विद हिम ही विल डू द टास्क ऑन हिज ओन, लेकिन हम बच्चों का भाग्य किससे बनेगा,
बट हाउ विल वी चिल्ड्रन अर्न अ फॉर्चून? हम बच्चे जितना श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे, द मोर एलिवेटेड थॉट्स वी चिल्ड्रन जनरेट, द मोर एलिवेटेड एक्शंस वी परफॉर्म, जितना श्रेष्ठ दान करेंगे, द मोर एलिवेटेड डोनेशन वी मेक, उतना हमको श्रेष्ठ का प्राप्त होगा। वी विल अचीव एक्सेलेंस टू दैट एक्सटेंट। महाराज जी कहते हैं कि दान ततो प्रदान ततो सामान्य रजो और तमो, तीन चार प्रकार का होता है। In the path of bhakti also it is said that donations are of 3 to 4 types, sato pradhan, sato samanya, rajo and tamo. If we offer something elevated, we will gain just what is elevated for many births. And if we offer something bad, then what will be the attainments for many births? कैसी प्राप्ति होगी? What will be the attainments like? जैसा अर्पण करेंगे वैसी ही प्राप्ति होगी। We will gain attainments according to what we donate. करनी घोर ब्राह्मण बन करके बाप तो आता है। The father does come as a करनी घोर ब्राह्मिन, meaning a sect of Brahmins who are offered the belongings of the deceased. पुराना धुराना देते हैं। People give him old things. आप पुराने को भी रिजुविनेट करके नया बनाते हैं। The father rejuvenates the old and makes it new. आप तो कर सके। The father is certainly almighty. वो तो हर हालत में अपना काम पूरा कर लेगा। He will complete his task under any circumstances. लेकिन बच्चों की भावना के ऊपर सारा मदार चला जाता। But everything depends on the feelings of the children. It is also said in the path of bhakti, bhav pradhan vishwarachi rakha, meaning your world is created according to the intentions with which you perform deeds. ऐसे भी कहा जाता है भाव के भूखे हैं भगवान। It is also said God is hungry for love. भावना नहीं तो कुछ भी नहीं। There is nothing if there are no feelings. बात है कि हम बच्चों को कदम कदम पर इस बात का ध्यान रखना है। We children should pay attention at every step on the fact कि आबू अब्बा का जो घर है उसके वाइब्रेशन पवित्र बनाने में हम कोई कोर कसर नहीं रखते। That we shouldn't leave any shortcoming in making the vibrations of the house of Abu Abba pure. नहीं तो यहाँ आकर के हम जो बैटरी चार्ज करते हैं, otherwise the battery we charge after coming here, battery में defect होने की वजह से, because of a defect in the battery, battery में कैसा जल डाला जाता है, which water is poured in the battery, distilled water डाला जाता है ना, distilled water is poured, isn't it? एकदम पवित्र जल डालेंगे तो battery अच्छी charge होती है। If you put very pure water, the battery is charged properly. तो यहाँ जल कौन सा है? So it is about which water here? ज्ञान, यहाँ ज्ञान जल है। Student, knowledge. Here it is the water of knowledge. ज्ञान तो पाप से डायरेक्ट आता है। The knowledge comes directly from the father. और बाप के ज्ञान के वाइब्रेशन के अनुकूल अगर हमने वाइब्रेशन न फैलाए, and if we didn't spread the vibrations according to the vibrations of the knowledge of the father, aur gande vibration phailane ke nimitt bane, and if we became instruments in spreading bad vibrations, to jo yaad ki power hai utna humko fayda hoga jitna hona chahiye, then will we be benefited by the power of remembrance to the extent we should? Nahi hoga, we won't. हमारी एकाग्रता उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। Our concentration won't increase to the extent it should. और याद उतनी सहज नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। And the remembrance won't be as easy as it should be. सारा मदार है हमारी याद की यात्रा पर। Everything depends on our journey of remembrance. After advance party के बच्चों के लिए। This is especially for the children of the advance party. एकता पर भी मदार है। इट डिपेंड्स ऑन प्यूरिटी एज वेल। लेकिन एडवांस पार्टी में दो ग्रुप हैं।
बट इन द एडवांस पार्टी देर आर टू ग्रुप्स. एक है जन्मजात प्योरिटी के कच्चे, वन इज ऑफ दोज हु लैक प्योरिटी फ्रॉम बर्थ, और एक है जन्मजात ज्ञान के कच्चे, एंड द अदर इज ऑफ दोज हु लैक नॉलेज फ्रॉम बर्थ. मानो एडवांस पार्टी में एक ग्रुप है अंधा और दूसरा ग्रुप है लंगड़ा. इट मीन्स इन द एडवांस पार्टी वन ग्रुप इज ब्लाइंड एंड द अदर ग्रुप इज लेम. अभी दोनों ग्रुप मिल गए क्या? Have both groups met yet? अभी तो मिले नहीं है. Now, they certainly haven't met. बाबा की वाणियों के अनुसार मिल जाने की पूरी संभावना है. According to Baba's vani, meaning Murli's, there is a full possibility of them meeting. कब तक? अपने वाइब्रेशन के ऊपर, अपनी वाचा के ऊपर, अपनी कर्मणा के ऊपर. अगर विशेष अटेंशन नहीं दिया, अंटिल देन इफ यू डिडंट पे स्पेशल अटेंशन टू योर वाइब्रेशंस, योर स्पीच, योर एक्शंस, वातावरण गंदा बनाते रहे, इफ यू कंटिन्यू टू स्पॉइल द एटमोस्फियर, प्रकृति के वातावरण को तोड़ते रहे, इफ यू कंटिन्यू टू ब्रेक द एटमोस्फियर ऑफ प्यूरिटी, अशांति फैलाने के निमित्त बनते रहे, इफ यू केप्ट बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट इन स्प्रेडिंग रेस्टलेसनेस, संगठन में भेद पैदा करते रहे, इफ यू कंटिन्यू टू क्रिएट डिस्कॉर्ड इन द गैदरिंग, खुदा खैर करे, मे गॉड सेव यू. दुनिया वालों के ऊपर तो कहर बाद में ढलेगा. डिजास्टर विल बी फॉल ऑन द वर्ल्डली पीपल लेटर ऑन. विनाश पहले किसके लिए होना है? फॉर हुम विल द डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस फर्स्ट? दुनिया वालों के लिए होना है या बच्चों के लिए होना है? विल इट टेक प्लेस फॉर द वर्ल्डली पीपल और फॉर द चिल्ड्रन फर्स्ट? एवरीवन फॉर द चिल्ड्रन. विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? इज डिस्ट्रक्शन बेनिफिशियल और हार्मफुल? कल्याणकारी है. इट इज बेनिफिशियल. तो कल्याण की शुरुआत पहले ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण बच्चों के घर से शुरू होगी. So, will benefit begin from the house of the Brahmin children of the father Brahma first? या बाहर की दुनिया से शुरू होगी? Or will it begin from the outside world? Students, from the house. अभी time नहीं है. There is no time left now. अभी खूब खूब के कदम रखने की जरूरत है. It is essential to take every step with alertness. न दुख दो और न दुख लो. Neither give sorrow nor take sorrow. ये बात तो बड़ी जल्दी समझ लेते हैं कि इसको दुख देना नहीं है. You understand very quickly that you shouldn't give sorrow to anyone. मैं तो उसमें भी बहुत से फेल. There are many who fail even in this. लेकिन दुख लेना नहीं है, ऐसी स्टेज अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा की बनाना. But to make such a stage of the zenith of knowledge that you don't take sorrow. ये बात भी बहुत जरूरी है. दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. मधुबन जैसे परमधाम सबसे श्रेष्ठ धाम है. मधुबन जस्ट लाइक द सुप्रीम अबोर्ड इज द मोस्ट एलिवेटेड अबोर्ड, ऐसे मधुबन सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ गाया हुआ है. सिमिलरली मधुबन इज फेमस एज द मोस्ट एलिवेटेड प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड. ज्यादा श्रेष्ठ स्थान परिवर्तन भूमि कोई होती नहीं है. No other place is more elevated than this, the land of transformation. परिवर्तन भूमि में आकर, after coming to the land of transformation, परिवर्तन के कार्य में सहयोग न लेकर, if you don't cooperate in the task of transformation, और ही हम असहयोग करेंगे, and bring non-cooperation instead, तो हाल क्या होगा? Then what will be the condition? परिवर्तन भूमि में परिवर्तन तो होना है. ट्रांसफॉर्मेशन सर्टनली हैज टू टेक प्लेस इन द लैंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जो टाइम निर्धारित है उसके अंदर ही परिवर्तन होना है. ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू टेक प्लेस विद इन द फिक्स्ड टाइम इटसेल्फ. लेकिन जो विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं, बट दोज हु बिकम इंस्ट्रूमेंट्स इन क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स, वो अपने को उनसे कम न समझे. उन विघ्न डालने वाली राक्षसी प्रवृत्तियों के मुकाबले shouldn't consider themselves
to be better than the ones with a devilish nature who create obstacles. जो बाहर से देखने में आ रही है कि ये बिघन डालने वाले हु कैन बी सीन क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम आउटसाइड. अगर खतरनाक दुश्मन कौन सा होता है, अंदर का या बाहर का? विच एनमी इज मोर डेंजरस, इज इट द वन हु इज इनसाइड और द वन हु इज आउटसाइड? स्टूडेंट्स, द वन हु इज इनसाइड. दुश्मन अंदर ही अंदर पनपता है, वो बहुत खतरनाक होता है. द एनमी हु ग्रोज विद इन इज वेरी डेंजरस. ऐसी को तोड़ने वाला होता है, यूनिटी का हनन करने वाला होता है. ही इज द वन हु ब्रेक्स, ही इज द वन हु डिस्ट्रॉयज यूनिटी. ऐसी आत्माओं से बहुत सजग रहने की जरूरत. इट इज नेसेसरी टू बी वेरी अलर्ट विथ सच सोल्स. मन बाबा ने कहा हुआ है. ऑल्दो बाबा हैज सेड, ये मधुमन ऐसा पांडवों का किला बन जाएगा जिसमें एक भी विचारी पाऊं नहीं. दिस मधुबन विल बिकम सच अ फोर्ट ऑफ द पांडवास इन विच नॉट अ सिंगल विशियस पर्सन विल बी एबल टू स्टेप इन. वो टाइम दूर नहीं है. नाउ दैट टाइम इजंट फार. अभी से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया. इफ यू डोंट पे अटेंशन टू योर सेल्फ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पछताना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिपेंट फॉर इट. नहीं, अभी मधुबन में है. It isn't that Baba is present in Madhuban now. So हम निश्चिंत रहे. So we can be carefree. और Baba Madhuban में नहीं है तो हम चाहे जो कुछ करें. And when Baba isn't in Madhuban, we can do anything we wish. लेकिन मुरली में क्या बोला हुआ है? But what is said in the मुरली? दिन प्रतिदिन बाप दादा मधुबन से बाहर. Day by day बाप दादा out of Madhuban. क्या बोला? What is said? नहीं जाएंगे. He won't go out. इसका अर्थ क्या दुख में लगाया जा रहा है या स्कूल में? Should we derive a subtle or physical meaning out of this? हद का अर्थ है या बेहद का? Does it have a limited meaning or an unlimited meaning? बेहद का अर्थ का मतलब? What does the unlimited meaning mean? मन शरीर से न हो तो भी. Although he won't be present physically in Madhuban, बाप दादा की बुद्धि का केंद्रीय कर्म कहाँ रहेगा? Where will the concentration of the intellect of बाप दादा be? मधुबन. In Madhuban. ऐसे बोला कि तुम सब बच्चे अपनों को मधुबन वासी समझो. It was said, all of you children consider yourself to be the residents of Madhuban. क्या घर गृहस्थ में रहते हो, अपने गांव अपने शहर में रहते हो तो भी क्या समझो? Although you stay in the household, in your village or city, what should you think? बुद्धि से सदैव मधुबन वासी रहो. Always be the residents of Madhuban through the intellect. तो उनको भी मधुबन वासी कहा जाएगा. So, they too will be called the residents of Madhuban. और जो मधुबन में रहते हैं शरीर से. And those who stay in Madhuban through the body. लेकिन उनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमती रहती है, देह और देह के संबंधियों में. बट योर इंटेलेक्ट वॉन्डर्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड इन द बॉडी एंड द बॉडीली रिलेटिव्स. वो कहाँ के वासी हुए? सो वेर आर दे द रेजिडेंट्स ऑफ? वो बाहर की दुनिया के वासी संसार के बीच साधित हो जाएंगे. दे विल बी प्रूव्ड टू बी द रेजिडेंट्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. अंत में रिजल्ट क्या होगा? What will be the result in the end? उनका अंत में रिजल्ट ये होगा कि बहुत लंबे समय तक साकार में शरीर से मधुबन में तो रहे. Their result in the end will be that they did stay in Madhuban physically for a long time. लेकिन बुद्धि से बाहर रहने के कारण अंत में जो फाइनल परीक्षा होगी उसमें कहाँ जाकर के गिरेंगे? But as they were out through the intellect, where will they go and fall during the final examination that will be held in the end? बाहर दुनिया में जाएगी. They will go and fall in the outside world. और जिनकी बुद्धि लगातार मधुबन में बनी रही होगी भले बाहर की दुनिया में रहना पड़ा हो. And the ones whose intellect would have stayed in Madhuban all the time, though they had to live in the outside world, वो कहाँ आ जाएंगे? Where will they come? मधुबन में आ जाएंगे. They will come in Madhuban. इसलिए इस वर्ष अव्यक्तवाणी में क्या बोला? This is why what was said in the Avyaktavani this year?
मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। द रेजिडेंट्स ऑफ मधुबन विल हैव टू लीव मधुबन। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना। दोज फ्रॉम द गीता पाठशालास विल हैव टू लीव द गीता पाठशालास। Households that hold regular classes for the PBKs nearby. Gita Pathshala kahan hoti hai Madhuban mein? Where are the Gita Pathshalas? Are they in Madhuban? In the outside world. So, wo Gita Pathshala wale bhale bahar ki duniya mein hai. Although those from the Gita Pathshalas are in the outside world. Lekin wo Gita Pathshala ke teacher to aur vidyarthi भावना लेकर के मधुबन में आते हैं। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द गीता पाठशाला कम विथ फीलिंग्स टू मधुबन। और मधुबन में आकर के वो दुख लेकर के जाते हैं, दुखी होकर के जाते हैं। एंड आफ्टर कमिंग टू मधुबन इफ दे गो बैक टेकिंग सोरो, दे गो बैक सोरोफुल। आंसू बहाते हुए जाते हैं। दे गो बैक शेडिंग टीयर्स। दंड कौन भुगते है? देन हु सफर द पनिशमेंट? जो मधुबन के वाइब्रेशन को मधुबन में रहते हुए ही तोड़ रहे हैं। दोज हु आर ब्रेकिंग द वाइब्रेशन ऑफ मधुबन बींग इन मधुबन इट सेल्फ, उनके ऊपर 100 गुना बोझ जाता रहता। दे कीप इनकरिंग 100 times, 1000 times बर्डन। बहुत ऊंची चढ़ाई चल रही है। नाउ वी आर क्लाइंबिंग वेरी हाई, जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं। Just like someone climbs a mountain, तो जब ऊंची चोटी पे चढ़ते हैं। When he climbs a high peak, तो एक एक कदम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां गाड़ते हुए, उसमें रस्सी बांधते हुए, भाई संभल संभल करके चढ़ा जाता है। To climb high, they fix nails on every step and tie a rope on it, and they climb very carefully. थोड़ी सी चूक हुई और कहाँ गिरेंगे? If there is a slight mistake, where will they fall? हजारों फीट गहरी खाई में, खड्डे में जाके गिरेंगे। They will fall in the thousands of feet deep valley in the pit. अभी कोलसार की गति भी बहुत गुहे चल रही। Now the course of पुरुषार्थ is also very deep. खास करके पुरुषोत्तम संगम युग सांता गया हुआ है। The पुरुषोत्तम confluence is especially famous for which place? बाहर की दुनिया का, मधुबन का। Is it for the outside world? Someone for मधुबन। पुरुषोत्तम संगम युग है ही मधुबन के अंदर। The पुरुषोत्तम confluence is in मधुबन itself. यहाँ पुरुषोत्तम है, वहीं पुरुषोत्तम संगम युग होता है। The पुरुषोत्तम confluence exists only where there is पुरुषोत्तम, meaning the best one among the souls. तो ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर, so on such an elevated land, पहले भी बताया, it was said earlier as well, कि हम ब्राह्मण बच्चों को बहुत ध्यान देना है अपने संकल्पों पर। We Brahmin children should pay a lot of attention to our thoughts, अपने vibration पर, our vibrations, अपनी वाचा पर, our speech, और अपनी कर्मणा पर, एंड अवर एक्शंस। अभी नहीं तो कभी नहीं। इफ नॉट नाउ देन नेवर। अभी लास्ट चांस भी हाथ से निकल जाने का। नाउ द लास्ट चांस विल ऑल्सो स्लिप आउट ऑफ योर हैंड। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, ये गायन किस समय का है? अ लॉट हैज पास्ड, अ लिटिल हैज रिमेन्ड, एंड अ लिटिल ऑफ इवन द लिटिल हैज रिमेन्ड। दिस प्रेज पर्टेन्स टू विच टाइम? पिछले 60 वर्षों का ये गायन नहीं है। इट इज द प्रेज ऑफ द लास्ट 60 ईयर्स। ये गायन इस समय का है। इट इज द प्रेज ऑफ द प्रेजेंट टाइम। ए घड़ी आधी में कुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। मीनिंग इफ यू टेक द कंपनी ऑफ होली मैन इवन फॉर अ सेकेंड, हाफ अ सेकेंड और हाफ ऑफ इवन द हाफ सेकेंड, योर न्यूमरस सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड। साधना करने वाले साधु हैं। द साधु मीनिंग होली मैन हु डू साधना प्रैक्टिस। उनको अपनी वाचा को साधना चाहिए। दे शुड कंट्रोल देयर स्पीच। अपनी कर्मेंद्रियों को साधना चाहिए।
they should control their karmendriya, meaning parts of the body used to perform action. गिरने नहीं देना चाहिए. They shouldn't let them fall. अपने संकल्पों पर, अपने वाइब्रेशन पर साधना का प्रभाव देखना चाहिए. They should see the effect of the practice on their thoughts and vibrations. क्योंकि अभी अमृत वेले का लास्ट टाइम चल रहा है. It is because the last time of Amrit Vela is going on now. Amrit Vela, early morning hours of nectar. Suryodaya se pehle wo Amrit Vela jo hota hai, wo bahut mahatva ka hota hai. Amrit Vela before the sunrise is very important. To ratri ke 12 baje se bhi Amrit Vela hai. There is Amrit Vela even from midnight 12 o'clock. Lekin wo utna mahatvapurna nahi hota. But that isn't so important. लेकिन जब सूर्य उदय होना होता है, सूर्य की लालिमा आगे आगे सामने दिखाई पड़ती है सूर्य उदय होने से पहले. बट वेन द सन इज अबाउट टू राइज, वेन द रेडनेस ऑफ द सन इज विजिबल बिफोर द सनराइज, छुटपुटा समय होता है. इट इज द टाइम ऑफ डे ब्रेक. कहीं लगता है कि दिन है, कहीं लगता है कि अंधेरा है. समवेयर इट सीम्स दैट इट इज डे एंड समवेयर इट सीम्स इट इज डार्क. जो अंधेरा फैलाने वाली आत्मा है वो इसी पुरुषार्थ में रहती है कि अंधेरा कायम रहेगा. द सोल्स हु स्प्रेड डार्कनेस आर एंगेज्ड इन दिस वेरी पुरुषार्थ, डार्कनेस विल प्रिवेल. उनके संकल्प यही चलते रहते हैं, उनकी करुणा यही चलती रहती है, उनकी वाचा यही चलती रहती है. दे हैव दीज वेरी थॉट्स, एक्शंस एंड स्पीच. हम अंधेरे को नष्ट नहीं होने देंगे. वी वोंट लेट डार्कनेस वैनिश. क्यों? वाई? मधुबन के वातावरण में जहाँ ज्ञान सूर्य अपना कार्य कर रहा हो, वहाँ अगर अंधेरा नजर आए किसी को. इन द एटमोस्फियर ऑफ मधुबन वेर द सन ऑफ नॉलेज इज डूइंग हिज टास्क, इफ समवन सीज डार्कनेस. अरे कुछ नहीं यार, क्या परमात्मा बाप का काम चल रहा है सर. थिंकिंग, अरे देर इज नथिंग हियर, इज द टास्क ऑफ द सुप्रीम सोल फादर गोइंग ऑन. यहाँ भगवान का काम चल रहा है. इज द टास्क ऑफ गॉड गोइंग ऑन हियर. अगर ये किसी को संकल्प पैदा हुआ, इफ समवन हैज दिस थॉट, तो ये अंधेरा कायम रहने वाली बात हुई या रोशनी फैलने वाली बात हुई है. देन इज दिस द टॉपिक ऑफ प्रिवेलिंग डार्कनेस फॉर एवर और इज इट द टॉपिक ऑफ स्प्रेडिंग लाइट. ये उसके दिल में अंधेरा कायम हो गया. डार्कनेस हैज प्रिवेल्ड इन हिज हार्ट. हम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बन गए अंधेरा फैलाने. वी ब्राह्मण चिल्ड्रन बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स इन स्प्रेडिंग द डार्कनेस. किसी आत्मा को निश्चय विश्वास श्रद्धा बैठाना है. डू वी हैव टू मेक सम सोल हैव फेथ बिलीफ एंड वेनरेशन. यह उखाड़नी है. और डू वी हैव टू अप्रूव देम. बाप के ऊपर श्रद्धा बैठाने के निमित्त बनना चाहिए. वी शुड बिकम इंस्ट्रूमेंट्स इन मेकिंग अदर्स हैव फेथ ऑन द फादर. बाप के कार्य में आत्मा अर्पण कब होगी. When will a soul be devoted in the task of the father? देश आत्माएं अर्पण कब होंगी. When will elevated souls be sacrificed to him? जब उन्हें ये लगे कि वास्तव में यहाँ ईश्वर का कार्य चल रहा है. When they feel that the task of God is really going on here. तो उनको ये अंदर से अनुभूति नहीं होती. But they don't experience this from within. जहाँ देखो वहाँ शैतानों का राज्य लगा पड़ा है. There is the rule of demons everywhere. शैतानों जैसी एक्टिविटी देखने में आती है. They see activities like that of demons. तो जैसे हम अंधेरा कायम रखने वाले असुर है. So it is as if we are the demons who make darkness prevail. जिन्हें रात्रि ही अच्छी लगती है, इसलिए उनका नाम है शास्त्रों में निशाचर. They just like night. That is why they are named Nishachar in the scriptures. Nishachar means moving by night, a demon, an evil spirit, a thief. कहाँ विचरण करते रहते हैं. Where do they keep wandering? निशा माना रात्रि. निशा means night. वो रात्रि में ही विचरण करना पसंद करती है. They like to wander only in the night. जैसे चोर डकैत. Just like thieves and dacoits. और तो दिन अच्छा ही नहीं लगता. They don't like day at all. दूसरों को भी चाहते हैं कि ये हमारे समान बन जाए. दे विश फॉर अदर्स टू दैट दे शुड बिकम इक्वल टू देम. हम शरीर के पुरुषार्थी बन जाए. दे थिंक दे शुड बिकम पुरुषार्थी लाइक अस. और खुद भी ऐसे ही रास्ते पर चलते.
एंड दे देमसेल्व्स आल्सो फॉलो द सेम पाथ. बाकी घर में ऐसी जमात नहीं बनने देना. वी शुडंट लेट सच गैदरिंग बी फॉर्म्ड इन बाबाज हाउस. वाइब्रेशन बनेंगे. सो वाइब्रेशंस विल बी क्रिएटेड. शांति के वाइब्रेशन बनेंगे. द वाइब्रेशंस ऑफ पीस विल बी क्रिएटेड. पवित्रता के वाइब्रेशन बनेंगे. द वाइब्रेशंस ऑफ प्यूरिटी विल बी क्रिएटेड. पवित्रता के वाइब्रेशन माना. वॉट डू द वाइब्रेशंस ऑफ प्यूरिटी मीन. एक बाप दूसरा न कोई. वन फादर एंड नो वन एल्स. इतना हमारा पुरुषार्थ सहज होता जाने. अवर पुरुषार्थ विल कीप बिकमिंग इजियर टू दैट एक्सटेंट. अंतर होता जाएगा. परिपक्व होता जाएगा. इट विल कीप बिकमिंग कॉन्स्टेंट एंड परफेक्ट. नहीं तो अवस्था ऊंची होती है, कभी नीचे गिरती है. अदरवाइज समटाइम्स द स्टेज राइजेज हाई एंड समटाइम्स इट गोज डाउन. जिनकी खुद की अवस्था नीचे ऊपर होती है वो दूसरों को भी नीचे ऊपर करने के निमित्त बन जाते हैं. दोज हूज ओन स्टेज गोज अप एंड डाउन दे बिकम इंस्ट्रूमेंट इन मेकिंग द स्टेज ऑफ द अदर्स ऑल्सो अप एंड डाउन. तो अभी न खुद नीचे ऊपर होना है. सो नाउ वी मस्ट नीदर गो अप एंड डाउन अवर सेल्व. और न संगी साथियों को ऊपर नीचे होने देना है. नॉर शुड वी लेट अवर फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस गो अप एंड डाउन. वाइब्रेशन को बनाना और बिगाड़ना. टू मेक एंड स्पॉइल द वाइब्रेशंस. ये किसी और के हाथ में नहीं है. इजंट इन द हैंड्स ऑफ एनीवन एल्स. हमने ही सर इस स्थिति को बिगाड़ा. इट इज वी अवर सेल्स हु हैव स्पॉइल्ड द स्टेज ऑफ द सेल्फ. तो दुनिया बिगड़ गई. सो द वर्ल्ड वॉज स्पॉइल्ड. और हमने ही सर इस स्थिति को बनाया तो दुनिया सुधर गई. एंड व्हेन वी अवर सेल्स इम्प्रूव्ड द स्टेज ऑफ द सेल्फ द वर्ल्ड इम्प्रूव्ड. तो सतियों को बनाना. सो टू एस्टेब्लिश द गोल्डन एज. स्वर्ग बनाना और नरक बनाना ये किसके हाथ में हुआ. टू एस्टेब्लिश हेवन एंड टू क्रिएट हेल लाइज इन हूज हैंड्स. हम आत्माओं की बच्चों के हाथ में ये बात है. इट इज इन द हैंड्स ऑफ अस सोल लाइक चिल्ड्रन. क्या हम अपने लिए चाहे स्वर्ग बनाए या सला नरक बनाए. वेदर वी क्रिएट हेवन और हेल फॉर अवर सेल्व्स. सुप्रीम सोल बाप को रास्ता बता करके चला जाता है. द सुप्रीम सोल फादर जस्ट शोज द पाथ एंड डिपार्ट्स. वो रास्ते पर जो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में. दोज हु फॉलो दैट पाथ इन देयर लाइफ इन प्रैक्टिस मेक अटेनमेंट्स. जन्म जन्मांतर की सुख की प्रारब्ध ले लेते हैं. दे टेक द फ्रूट ऑफ हैप्पीनेस फॉर मेनी बर्थ्स. इट इज सेड द फादर हैज गिवन अस द इनहेरिटेंस. एक्चुअली द फादर गिव्स ओनली द इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज. सुख शांति का वर्षा डायरेक्ट नहीं देता है. ही डजंट गिव द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस डायरेक्टली. देता है. ही गिव्स द इनहेरिटेंस ऑफ वॉट. कौन सा वर्षा मिलता है. What inheritance do we get from the incorporeal father? मेरा सारी ज्ञान रत्न को वर्षा मिलता है. We get the inheritance of the incorporeal gems of knowledge. लेकिन सुख शांति का जो प्रैक्टिकल जीवन का वर्षा है वो हम बच्चे अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त कर सकते हैं. But we children can attain the inheritance of happiness and peace in the life in practice only after making purusharth. रावण की तरह अगर ज्ञान उठाएंगे. If someone imbibes knowledge like Ravan, बस ज्ञान सुनना और दूसरों को सुनाना. That is just listening and narrating the knowledge. और अपने जीवन में धारण कुछ भी करना नहीं. And doesn't assimilate anything in his own life. तो ऐसों का जीवन शांत बनेगा. जन्म जन्मांतर का या शांत बनेगा. So will the life of such ones become peaceful for many births or restless? अशांत जीवन बनेगा. Their life will become restless. अशांति की दुनिया बनाएंगे और अशांति की दुनिया में भूत प्रेतों की तरह भटक के आएंगे. They will create the world of restlessness and wander there like ghosts and spirits. जैसे भूत प्रेतों को कहीं भी चैन नहीं मिलता. Just as ghosts and spirits get no rest anywhere. जहाँ पहुँचते हैं वहाँ उनकी पिटाई करके डंडे मार मार करके भगाते रहते हैं. Wherever they go, they are beaten with a stick and chased away. Chase the ghost. ऐसे उनकी हालत हो जाती है. Their condition becomes such. समय थोड़ा है. Little time is left.
उसे थोड़े से समय में एंड इन दैट लिटिल टाइम हम बच्चों को अभी वो पुरुषार्थ करना है विच चिल्ड्रन हैव टू मेक सच पुरुषार्थ जो संसार के सामने 9 लाख सितारों के रूप में चमकेगा दैट विल शाइन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ 900,000 स्टार्स थोड़े से समय का थोड़ा सा पुरुषार्थ लिटिल पुरुषार्थ ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 84 जन्मों की महिमा कराने के निमित्त बन जाएगा विल ब्रिंग फेम टू अस फॉर 84 births अभी अगर थोड़ी सी गफलत करते रहे इफ यू शो अ लिटिल केयरलेसनेस नाउ हमें मन को उद्वेग पैदा करते रहे अशांत बनाते रहे इफ यू मेक योर माइंड एजिटेटेड इफ यू कीप मेकिंग इट रेस्टलेस कंटिन्यूअसली और दूसरों को भी अशांत बनाते रहे एंड इफ यू ऑल्सो मेक द अदर्स रेस्टलेस कंटिन्यूअसली तो अनेक जन्मों की अपनी प्रारब्ध गवाए बैठेंगे यू विल लूज योर अटेनमेंट्स ऑफ मेनी बर्थ्स स्थान है द प्लेस इज एलिवेटेड आत्माओं का संगठन है द गैदरिंग इज ऑफ द मोस्ट एलिवेटेड सोल्स आत्माओं की यूनिटी यहाँ मिल जाती है यू गेट द यूनिटी ऑफ द एलिवेटेड सोल्स हियर तो यहाँ प्राप्ति भी ऊंचे से ऊंची है सो हियर द अटेनमेंट इज ऑल्सो द हाइएस्ट ऑन हाई और अगर गफलत की एंड इफ यू शो केयरलेसनेस तो घाटा भी बड़े से बड़ा है द लॉस इज ऑल्सो वेरी हाई जन्म जन्मांतर का है इट इज फॉर मेनी बर्थ्स और उस घाटे के साथ साथ एंड अलोंग विद दैट लॉस सारे संसार के सामने धर्मराज की सजा के भागी बनेंगे वो अलग यू विल बिकम द वंस हु सफर द पनिशमेंट ऑफ धर्मराज इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इन एडिशन बाप जितना मीठा है जितना प्यारा है द स्वीटर एंड डियरर द फादर इज धर्मराज बाप उतना ही कैसा है हाउ इज द फादर धर्मराज टू द सेम एक्सटेंट उतना ही कठोर है ही इज स्ट्रिक्ट टू द सेम एक्सटेंट बाप नहीं दिखाई पड़ेगा ही वोंट बी विजिबल एज द फादर क्या दिखाई पड़ेगा हाउ विल ही बी विजिबल टू यू जल्लाद दिखाई पड़ेगा ही विल बी विजिबल एज एन एग्जीक्यूशनर जल्लाद जैसे जल्लाद के सामने जस्ट एज इन फ्रंट ऑफ एन एग्जीक्यूशनर कोई कितना भी गिड़गिड़ाए रोए पीटे इट डजंट मैटर हाउ मच समवन रिक्वेस्ट्स क्राइज बीट्स हिज चेस्ट लेकिन जल्लाद को रहम नहीं आता है द एग्जीक्यूशनर डजंट फील मर्सी तो खून ही खून कर देता है ही जस्ट शेड्स ब्लड उसको भय भी पैदा नहीं होता ही डजंट हैव फियर ईदर तो वो हालत हो जानी है सो द कंडीशन विल बिकम सच इसलिए अभी से दिस इज वाई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एक एक कदम ब्राह्मण बच्चों को मधुबन की भूमि पर फूक फूक करके रखना है द ब्राह्मीन चिल्ड्रन हैव टू कीप ईच एंड एवरी स्टेप ऑन द लैंड ऑफ मधुबन वेरी केयरफुली आपने कोई से ये कहे हमें तो पता ही नहीं था देन नो वन शुड से वी डिडंट नो दिस एट ऑल हमें तो मालूम ही नहीं था वी वरंट अवेयर ऑफ दिस एट ऑल हमें तो किसी ने बताया ही नहीं नो वन इन्फॉर्म्ड अस एट ऑल हम तो ऐसे ही आ गए थे तो हम भी देख के आए वी सिंपली केम हियर थिंकिंग लेट्स गो एज वेल एंड सी यहाँ क्या होता है वॉट हैपन्स हियर कहने के निमित्त न बन पड़े देन नो वन शुड बिकम द इंस्ट्रूमेंट टू से सच थिंग्स ये जो समय चल रहा है द पीरियड दैट इज गोइंग ऑन नाउ अमृत वेले का द पीरियड ऑफ अमृत वेला ब्राह्मण की दुनिया में ज्ञानपुरी के प्रकट होने का द पीरियड ऑफ द सन ऑफ नॉलेज टू बी रिवील्ड इन द ब्राह्मीन वर्ल्ड और साथ साथ बाहर की दुनिया में भी ईश्वरीय ज्ञान प्रत्यक्ष होने का एंड साइमल्टेनियसली द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन नॉलेज इन द आउटसाइड वर्ल्ड वो समय को वरदान मिला हुआ है दिस टाइम हैज रिसीव्ड अ बून क्या वरदान मिला हुआ है वॉट बून हैज इट रिसीव्ड इस समय को वरदान मिला हुआ है दिस टाइम हैज रिसीव्ड अ बून मिला जा रहा है डोंट यू रिमेम्बर संसार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सक्सेस इज अवर बर्थ राइट ये स्थान को भी वरदान मिला हुआ है दिस प्लेस टू हैज रिसीव्ड अ बून क्या वॉट अगर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए
हम हिम्मत करेंगे तो बाप से सौगुनी मदद जरूर मिलेगी। इफ यू डिस्प्ले करेज टू परफॉर्म एलिवेटेड एक्शन यू विल सर्टनली गेट 100 टाइम्स हेल्प फ्रॉम द फादर। ठीक है, हिम्मत का एक संकल्प करना है कि मुझे सुधर के रहना है। यू हैव टू हैव जस्ट अ सिंगल थॉट ऑफ करेज, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जो कमजोरी बार बार तंग करती है, द वीकनेस दैट डिस्टर्ब्स यू अगेन एंड अगेन, उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी है सिर्फ। यू जस्ट हैव टू टेक अ फर्म प्लेज फॉर इट। करना हो कराना तो बाप को। द फादर हैज टू एक्ट एंड इनेबल अदर्स टू एक्ट। वो करणहार भी है और करावनहार भी है। ही इज करणहार मीनिंग द वन हु डज द टास्क हिमसेल्फ एज वेल एज करावनहार मीनिंग द वन हु मेक्स अदर्स डू द टास्क। करा ही लेगा। ही विल डेफिनेटली मेक यू डू इट। लेकिन अंदर के दिल से ये भावना पैदा होनी चाहिए। बट यू शुड हैव दिस फीलिंग फ्रॉम विद इन। मुझे अपने को सुधारना है। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। लेकिन सुधरेंगे तब। बट वेन विल यू रिफॉर्म। दिल साफ तो मुराद हासिल। इफ द हार्ट इज क्लीन योर विश इज फुलफिल्ड। बाप के सामने अगर सच्चे न बने। इफ यू डोंट बिकम ट्रू इन फ्रंट ऑफ द फादर। झूठ बोले। इफ यू स्पीक लाइज। तो सच्चा दिल कहेंगे। विल इट बी कॉल्ड अ ट्रू हार्ट। साफ दिल कहेंगे। विल इट बी कॉल्ड अ क्लीन हार्ट। कहेंगे। विल इट बी कॉल्ड सो। नहीं कहेंगे। इट वोंट बी कॉल्ड सो। दुनिया के सामने चाहे कुछ भी बोल दे। इट डजंट मैटर वॉट यू से इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बाप के प्रति जो सच्चे हैं। बट दोज हु आर ट्रू टू द फादर। वो संसार में सत्यखंड की स्थापना के निमित्त बन जाएंगे। विल बिकम इंस्ट्रूमेंट इन एस्टेब्लिशिंग द लैंड ऑफ ट्रूथ इन द वर्ल्ड। और दुनिया की नजर में जो झूठे हैं। एंड दोज हु आर लायर्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और बाप के सामने सच्चे और साफ दिल होकर के प्रत्यक्ष होते हैं। बट दे आर रिवील्ड एज द वंस विद अ ट्रू एंड क्लीन हार्ट इन फ्रंट ऑफ द फादर। ये अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देते हैं। और गिव देयर ट्रू पोता मेल। पोता मेल इज अ लेटर टू बाबा कंटेनिंग द सीक्रेट्स ऑफ वंस बॉडी माइंड एंड वेल्थ। सुधार निश्चित है। देन देयर रिफॉर्मेशन इज सर्टन। किसी भी नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनेंगे। दे विल बिकम इंस्ट्रूमेंट्स इन एस्टेब्लिशिंग द गोल्डन एज न्यू वर्ल्ड। सच्चाई के ऊपर बहुत बड़ा मदार। देर इज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ। बाप को धन नहीं चाहिए। द फादर डजंट वॉन्ट वेल्थ। धन नहीं चाहिए। ही डजंट वॉन्ट द बॉडी। जन नहीं चाहिए। ही डजंट वॉन्ट पीपल। सत्यखंड की स्थापना के लिए सबसे पहली बात क्या चाहिए। वॉट डज ही वॉन्ट इन द फर्स्ट प्लेस टू एस्टेब्लिश द लैंड ऑफ ट्रूथ। सच्चाई और सफाई चाहिए। ही वॉन्ट्स ट्रूथफुलनेस एंड क्लीनलीनेस। सच्चे और साफ दिल बच्चे बाप को बहुत प्रिय है। चिल्ड्रन विद अ ट्रू एंड क्लीन हार्ट आर वेरी डियर टू द फादर। भले कमजोरियाँ कितनी भी भरी हुई हो, स्वभाव संस्कार कितना भी खराब हो। दे मे हैव एनी नंबर ऑफ वीकनेसेस, देयर नेचर एंड संस्कार्स मे बी स्पॉइल्ड टू एनी एक्सटेंट। बाप कोई भी बच्चे का स्वभाव संस्कार नहीं देखते हैं। द फादर डजंट लुक एट द नेचर एंड संस्कार ऑफ एनी चाइल्ड एंड थिंक। इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। हिज नेचर इटसेल्फ इज लाइक दिस। इसके तो संस्कार ही ऐसे है, ये तो कभी बदलेगा नहीं। हिज वेरी संस्कार्स आर लाइक दिस, ही विल नेवर रिफॉर्म। इस तरह के विचार बाप के नहीं हो सकते। सच कांट बी द थॉट्स ऑफ द फादर। बाप तो शिक्षा और देते हैं कि बच्चे कभी किसी के स्वभाव संस्कार को मत देखो। इन फैक्ट द फादर गिव्स द टीचिंग चिल्ड्रन डोंट लुक एट द नेचर एंड संस्कार्स ऑफ एनी वन। क्यों? वाई? क्योंकि जो स्वभाव संस्कार है वो आज है, कुछ और है और कल की नई दुनिया जो आने वाली है उसमें। इट इज बिकॉज द नेचर एंड संस्कार्स आर डिफरेंट टूडे एंड इन द न्यू वर्ल्ड दैट इज अबाउट टू कम टुमोरो। सबके स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। द नेचर एंड संस्कार्स ऑफ एवरी वन विल बी रिफॉर्म्ड। तो स्वभाव संस्कार की देखने की बात नहीं है। सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लुकिंग एट द नेचर एंड संस्कार्स ऑफ सम वन। मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। द मेन थिंग इज ट्रूथफुलनेस एंड क्लैरिटी। सत्यखंड की स्थापना में सच्चाई और सफाई का बहुत बड़ा योगदान।
there is a great contribution of truth and clarity in the establishment of the land of truth. झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं होगा. The true master won't be pleased by a false heart. सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा. The true master will be pleased with a true heart. कब? When? कब राजी होगा? When will he be pleased? जब मन से जो संकल्प चलाते हैं उसमें भी सच्चाई भरी हुई हो. When the thoughts that are generated through the mind also have truth in them. ज्ञान के अनुकूल हमारे संकल्प हो. Our thoughts should be according to the knowledge. और जो मुख से वाचा निकालते हैं. And the speech that comes out through the mouth. उसमें भी सच्चाई सफाई भरी हुई हो. Should also have truth and clarity. और जो कर्म करते हैं वो भी सच्चा कर्म हो. And the actions that we perform should also be true actions. अपने दिल के अंदर भी लगे. You should feel within your heart too. कि मैंने ये जो काम किया वो सच्चा काम किया. The task I performed is a true task. झूठा काम नहीं किया. It isn't a false task. इसलिए सच्चे खंड और झूठ खंड. This is why the land of truth and the land of falsity. सच्चे खंड कौन स्थापन करता है? Who establishes the land of truth? सच्चा बाप सच्चे खंड स्थापन करता है और बच्चों के द्वारा कराता है श्रीमत पर. The true father establishes the land of truth and enables the establishment through the children according to Srimat. और झूठ खंड कौन स्थापन करता है? And who establishes the land of falsity? रावण. रावण किसे कहा जाता है? रावण. Who is called रावण? जो दूसरों को रुलाता है. The one who makes the others cry. झूठ बोल बोल करके. By speaking lies. झूठ खंड फैला करके. And by spreading the land of falsity. उसको कहते हैं रावण. He is called रावण. एक मत पर नहीं चलेगा. He won't follow one opinion. न चलाएगा. Nor will he let others follow it. कितनों की मत पर चलाएगा? He will make them follow the opinion of how many people? अनेकों की मत पर चलेगा और अनेकों की मत पर चलाएगा. He will follow the opinion of many and make the others follow the opinion of many. मन मत पर भी चलेगा. He will follow the opinion of his mind too. क्योंकि अहंकार होने के कारण. It is because of ego. वो अपनी बात ज्यादा आगे रखेगा. He will try to keep his own opinion first. वो अपने को ही श्रेष्ठ समझता है. He considers only himself to be elevated. अपने को ही भगवान मानता है. He considers only himself to be God. तो जो अपन को ही भगवान मानता है. So, the one who claims himself to be God. बाप कहते हैं वो हिरण्यकश्यप है. The father says he is Hiranyakashyap, a demon king who claimed himself to be God. हिरण्यकश्यप है माने? What does it mean by he is Hiranyakashyap? क्या मतलब हुआ इसका? What does it mean? हिरण्य माना सोना. काश्य माना तेज. हिरण्य means gold. काश्य means luster, तेज. सोने जैसी सच्ची आत्माओं के तेज को पा. The one who pa means drinks the luster of the gold like true souls. Hiranyakashyap. Hiranyakashyap. तेज को पीने वाला है. He is the one who drinks the luster. क्या? What? जो सच्चे हैं, उनके भी तेज को पी जाता है. Those who are true, he drinks their तेज as well. सच्चों को भी झूठा बना देता है. He makes even the true ones false. अनुमत पर चल करके. By following the opinion of the mind. परमत पर चल करके. And the opinion of others. खुद भी झूठा बनता है. He himself becomes false. और दूसरों को भी झूठा बनाता है. As well as makes others false. अभी तो हम ब्राह्मण बच्चे इस बात को पक्का समझ गए हैं. Now, we Brahmin children have understood this topic well. बाप दादा का काम तो हुआ पड़ा है. The task of बाप दादा is as good as done. इसको कोई रोक नहीं सकता. No one can stop it. जो हुआ पड़ा है. Whatever is preordained. उसमें सिर्फ निमित्त मात्र बच्चों को बनना है. The children just have to become an instrument in it. जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा, क्या कहा था? Just like God said to Arjun, what did he say? Arjun, ये दुश्मन तो कौरव यादव ये सब मरे पड़े हैं. Arjun, all these enemies
लाइक द कौरवास एंड द यादवास आर डेड, तो इनको नहीं मारेगा, ये तो खुद ही मरे पड़े। यू वोंट किल देम, दे आर ऑलरेडी डेड। तो ऐसे ये जो माया की कमजोरी बार बार उभर के सामने आती है। सो सिमिलरली दिस वीकनेस ऑफ माया दैट कम्स अप अगेन एंड अगेन, इतनी हिम्मत दिखाती है, इट शोज सो मच करेज, तो सर्वशक्तिमान बाप है। सो द फादर इज ऑलमाइटी, माया बन करके, बाई बिकमिंग माया, सर्वशक्तिमान माया भी है, माया इज ऑल्सो ऑलमाइटी, बाप के सामने भी पहुंच जाती। शी कम्स इन फ्रंट ऑफ द फादर टू, तो बाबा कहते हैं अभी माया का क्या हाल हो गया है। बाबा हिमसेल्फ आस्क्स, व्हाट हैज द कंडीशन ऑफ माया बिकम नाउ, अभी माया का क्या हाल हो गया है। व्हाट हैज द कंडीशन ऑफ माया बिकम नाउ, माया अभी कागज का शेर हो गई है। माया हैज बिकम अ पेपर टाइगर, क्या व्हाट, शेर तो दिखाई पड़ती है। शी डज सीम टू बी अ टाइगर, लेकिन है कैसा शेर, बट व्हाट काइंड ऑफ अ टाइगर इज शी, कागज का शेर, अ पेपर टाइगर, अगर मुकाबला करने की उंगली भी उसमें लगा दी, इफ यू पुट अ मियर फिंगर ऑफ चैलेंज टू इट, तो भी क्या हाल होगा, व्हाट विल हैपन, तो भी घायल हो जाएगी, इवन देन शी विल बी इंजर्ड, कागज का शेर बन करके बच्चों का मुकाबला कर रही है। शी इज कन्फ्रंटिंग द चिल्ड्रन बिकमिंग अ पेपर टाइगर, और बाप के सामने भी पहुंच जाती, एंड शी कम्स इन फ्रंट ऑफ द फादर टू, अभी अभी करना क्या है परिवर्तन, नाउ व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डू यू हैव टू ब्रिंग अबाउट, अभी परिवर्तन ये करना है, नाउ यू हैव टू ब्रिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला परिवर्तन करना है, द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू ब्रिंग अबाउट, ज्यादा से ज्यादा टाइम जितना भी मिले, फॉर एज मच टाइम एज यू गेट, अपनी भृकुटि में स्टार को देखने का, यू शुड सी द स्टार इन योर भृकुटि, द प्लेस बिटवीन द टू आईब्रोज, इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, जितना जितना हम अपनी स्वस्थिति में टिकेंगे, द मोर वी बिकम स्टेबल इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ, उतना उतना देहभान का आवरण खटता जाएगा, द कवर ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस विल कीप शेडिंग टू दैट एक्सटेंट, भूले कब होती है, वेन डू वी कमिट मिस्टेक्स, जब देहभान में होते हैं तो बहुत भूले होती, वेन वी आर इन अ बॉडी कॉन्शियस स्टेज वी कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आत्मा के भान में होंगे, इफ वी आर इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल, स्टार की याद में होंगे, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्टार, तो भूले नहीं होंगे, नो मिस्टेक्स विल बी कमिटेड, श्रीमत की बरखिलाफी की भी भूले नहीं होंगे, मिस्टेक्स ऑफ गोइंग अगेंस्ट श्रीमत वोंट बी कमिटेड ईदर, अपने की स्थिति में स्थित रहने से, इफ यू आर कॉन्स्टेंट इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, ये याद भी नहीं करना पड़ेगा, यू वोंट नीड टू इवन रिमेम्बर, कि बाप की श्रीमत क्या है क्या नहीं है, व्हाट द फादर्स श्रीमत इज एंड व्हाट इज अगेंस्ट द श्रीमत, जैसे आत्म की स्थिति वालों में वो सुप्रीम सोल बाप स्वयं प्रवेश करके कार्य कराता रहेगा, इट इज एज इफ द सुप्रीम सोल फादर विल हिमसेल्फ एंटर एंड इनेबल द टास्क थ्रू द चिल्ड्रन हु आर सोल कॉन्शियस, और करा रहा है, एंड ही इज इनेबलिंग दैट टास्क इवन नाउ, जहाँ ज्योति बिंदु की स्थिति है, वेयर देर इज द स्टेज ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट, वहाँ परमात्मा बाप तो है ही है, द सुप्रीम सोल फादर इज प्रेजेंट एनी वे, जिसको दुनिया वालों ने कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है, फॉर दिस द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव सेड दैट द सुप्रीम सोल इज ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वव्यापी वाली बात नहीं है, इट इजंट अबाउट बीइंग ओमनी प्रेजेंट, कौन सी बात है, इट इज अबाउट व्हाट, आत्म की स्थिति में स्थित रहने की बात है, इट इज अबाउट बीइंग स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, ब्राह्मणों की दुनिया में हम ब्राह्मणों के बीच में जहाँ भी जाएं, वेर एवर वी गो इन द ब्राह्मीन वर्ल्ड अमंग द ब्राह्मीन्स, हर चेहरे से वो आत्म की स्थिति दिखाई देती रहे, दैट सोल कॉन्शियस स्टेज शुड बी विजिबल थ्रू एवरी फेस, मायावी संकल्प, मायावी वाचा और मायावी कर्म इनसे बचे रहे, यू शुड रिमेन सेफ फ्रॉम द डिसेप्टिव थॉट्स, द डिसेप्टिव स्पीच एंड डिसेप्टिव एक्शंस, बाप का घर है, इट इज द फादर्स हाउस, आपके घर में हर बच्चे का अधिकार है, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट इन हिज हाउस, कौन से बच्चे का, विच चाइल्ड, अभिमानी बच्चे का, इज इट द बॉडी कॉन्शियस चाइल्ड, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले हर बच्चे का अधिकार है,
इट इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड हु रिमेन्स स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज. बाप किसी बच्चे को नहीं निकालेगा. द फादर वोंट रिमूव एनी चाइल्ड. परम धाम बाप का भी घर है, हम आत्माओं का भी घर है. द सुप्रीम अबोर्ड इज द फादर्स हाउस एज वेल एज द हाउस ऑफ अस सोल्स. तो पशु पक्षी पतंगे जैसी आत्माओं का भी घर है. इट इज द हाउस ऑफ द सोल्स लाइक इंसेक्ट्स एनिमल्स बर्ड्स एंड मॉथ्स एज वेल. उस घर में सब को जगह है. एवरीवन हैज अ प्लेस इन दैट हाउस. लेकिन जगह कब है? बट व्हेन डू दे हैव अ प्लेस? जब वो कीड़े मकोड़ों जैसी दुखदाई आत्माएं भी किसी स्थिति में स्थित हो जाती है. इट इज व्हेन इवन दो सोरो गिविंग सोल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स बिकम स्टेबल इन विच स्टेज. है? शरीर छोड़ करके देहभान छोड़ करके बिंदु आत्मा बन जाती है. इट इज व्हेन दे बिकम अ पॉइंट सोल आफ्टर लीविंग द बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस. पर बाप ये नहीं देखता है कि ये कीड़े मकोड़े हैं. देन द फादर डजंट सी दैट दीज आर इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स. ये राक्षस राक्षसियां हैं. दीज आर डीमंस एंड विचेस. बाप तो सबको आत्मा के रूप में देखता है. द फादर सीज एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ अ सोल. क्योंकि बाप सुप्रीम सोल खुद भी एक आत्मा है. इट इज बिकॉज द फादर द सुप्रीम सोल हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ सोल. सदाकाल की आत्मा है. ही इज अ सोल फॉर एवर. तो जो जैसा होता है अपनी जाति को वैसा ही बनाना पसंद करता है. सो समवन लाइक्स टू मेक हिज रेस द सेम एज ही इज. सारे संसार को वैसा ही बनाना और देखना पसंद करता है. He likes to settle and see the entire world the same way. तो बाप हर बच्चे के चेहरे से वो रूहानियत देखना चाहते हैं. So the father wants to see that spirituality on the face of every child. जब रूहानियत का चेहरा देखने में आता है तो खुशनुमा देखने में आता है. When the face is full of spirituality, it appears cheerful. देवान का चेहरा होगा. If the face is full of body consciousness, तो संत माया हुआ देखने में आएगा. इट विल अपियर टू बी रेड. कालिमा देखने में आएगी. इट विल लुक डार्क. आंसू देखने में आवेंगे. टीयर्स विल बी विजिबल. चेहरे से ही पता लग जाता है. इट बिकम्स एविडेंट जस्ट बाय लुकिंग एट द फेस. चेहरे से निकलने वाले वाइब्रेशन से ही पता लग जाता है. जस्ट बाय द वाइब्रेशंस दैट कम आउट ऑफ द फेस. कि आत्मा आत्मिक स्थिति में है या देवान की स्थिति में. Whether the soul is in the soul conscious stage or in the body conscious stage. ये आत्मिक स्थिति स्वर्ग बनाने वाली है. This soul conscious stage makes heaven. शूटिंग तो हो रही है. The shooting is certainly taking place. हमारी आत्मा हमारे ही अनेक जन्मों के सुखों दुख की शूटिंग कराई रही है. Our soul is making us do the shooting of happiness and sorrow for many births for ourselves. जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं. When you become stable in the soul conscious stage, तो स्वर्ग रूपी सुख की शूटिंग करने के निमित्त बनते हैं. You become instruments in performing the shooting of the heaven like happiness. चाहे किसी भी युग की शूटिंग करने के निमित्त बन रही हो. You may be an instrument in performing the shooting of any age. क्योंकि सुख और दुख तो हर युग में होता है. It is because there is happiness and sorrow in every age. सुख हर युग में होता है और उतरती कला हर युग में होती है. देर इज हैप्पीनेस इन एवरी एज एंड द स्टेज ऑफ डिसेंट इज ऑल्सो इन एवरी एज. ऐसा कोई युग है जिसमें सुख न होता हो परसेंटेज में? इज देर एनी एज इन विच देर इज नो हैप्पीनेस टू अ परसेंटेज? और उतरती कला न होती हो परसेंटेज में? एंड देर इज नो स्टेज ऑफ डिसेंट टू अ परसेंटेज. चारों युगों या संगम युग में भी? In the four ages or even in the confluence age. पांचों युगों में से कोई ऐसा युग है? Is there any age among the five ages जिसमें उतरती कला ना होती हो या सुख ना होता हो? In which there is no stage of descent or happiness. परसेंटेज में हर युग में उतरती कला और सुख होता जरूर है. There is certainly the stage of descent and happiness in every age to some percentage. तो सुख बनाना और घटाना. सो टू इंक्रीज और डिक्रीज हैप्पीनेस. चढ़ती कला करना. टू क्रिएट द स्टेज ऑफ एसेंट या उतरती कला करना. और टू क्रिएट द स्टेज ऑफ डिसेंट. ये हमारी बात है, हमारे ऊपर निर्भर करता है.
इट्स अप टू अस, इट डिपेंड्स ऑन अस। इसमें न परमात्मा बाप कुछ कर सकते हैं। द सुप्रीम सोल फादर कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। न बाप दादा कुछ कर सकते हैं। नीदर कैन बाप दादा डू एनीथिंग। न श्रेष्ठ आत्मा कुछ कर सकती है। नॉर कैन द एलिवेटेड सोल्स डू एनीथिंग। क्यों? वाई? क्योंकि बोला है आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र खुद ही है। इट इज बिकॉज इट इज सेड दैट द सोल इटसेल्फ इज एन एनिमी एंड अ फ्रेंड ऑफ इट्स ओन। कोई दूसरा अपना शत्रु मित्र नहीं है। नो वन एल्स इज अवर एनिमी और फ्रेंड। आत्मा अपने लिए सुख दुख का सृजन करने वाली। द सोल क्रिएट्स हैप्पीनेस एंड सोरो फॉर इटसेल्फ। अभी खास संगम युग में नव स्पेशली इन द कॉन्फ्लुएंस एज हम अपने लिए अपना घाटा अपना नफा नफा और नुकसान अभी बनाए रहे। वी आर अर्निंग बेनिफिट एंड लॉस फॉर अवर सेल्फ नाउ। छोटी छोटी बातों में ये नफा और नुकसान का हिसाब किताब चलता रहता है। दिस अकाउंट ऑफ बेनिफिट एंड लॉस इज क्रिएटेड इन वेरी स्मॉल थिंग्स। मान लो क्लास हो रहा है। सपोज द क्लास इज गोइंग ऑन और कोई दूर कोने में बैठा कुछ सोचा रहा है। एंड समवन सिटिंग फार इन अ कॉर्नर इज विस्परिंग समथिंग। क्या नफा होगा या नुकसान होगा। विल ही अर्न बेनिफिट और लॉस। दूर कोने की फुसफुसाहट दूसरे कोने तक पहुंच रही है। द विस्पर ऑफ द फार ऑफ कॉर्नर इज रीचिंग अनदर कॉर्नर। जिस जिसके कानों में वो फुसफुसाहट पहुंच रही है उसका वाइब्रेशन टूट रहा है। एकाग्रता भंग हो रही है। द वाइब्रेशन ऑफ ऑल दोज हु कैन हियर दैट विस्पर इज ब्रेकिंग। द कॉन्सेंट्रेशन इज बींग डिस्टर्ब्ड। वो वाइब्रेशन टूटने का या तोड़ने का जो विकल्प बन रहा है। सो द रॉन्ग एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द वाइब्रेशन। फुसफुसाहट करने वाले और उसको सुनने वाले। द वन हु इज विस्परिंग एंड द वन हु इज लिसनिंग टू इट। दोनों के ऊपर वो घाटे का सौदा बन रहा है। बोथ आर इनकरिंग अ लॉस। है छोटी सी बात लेकिन असर बहुत ज्यादा हो रहा है। इट इज अ स्मॉल थिंग बट इट इज हैविंग अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द पुरुषार्थ। सुनने वाला भी घाटे में जा रहा है और सुनाने वाला भी घाटे में जा रहा है। द वन हु इज लिसनिंग एज वेल एज द वन हु इज नरेटिंग आर इनकरिंग अ लॉस। एक बार करता है दो बार ऐसा करता है चार बार ऐसा करता है। ही डज इट वंस ट्वाइस फोर टाइम्स। रोज रोज ऐसा करता रहता है। एंड देन ही कीप्स डूइंग द सेम डेली। तो वो जो घाटा का हिसाब बन रहा है वो रोज रोज का बढ़ते 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 अंत में कितना हो जाएगा। सो द अकाउंट ऑफ लॉस दैट इज बींग क्रिएटेड हाउ मच विल इट एड अप टू फाइनली आफ्टर इंक्रीजिंग डेली। माला का दाना नीचे उतरता जाएगा या ऊपर चढ़ता जाएगा। विल द बीड ऑफ द रोजरी गो ऑन स्लाइडिंग डाउन और विल इट कीप राइजिंग हाई। नीचे उतरता जाएगा। इट विल कीप स्लाइडिंग डाउन। अंत में जब रिजल्ट निकलेगा। वेन द रिजल्ट कम्स आउट इन द एंड। तो कहेगा है? हम तो रात के 2 बजे उठ उठ करके हमने पुरुषार्थ किया। ही विल से हैं आई मेड पुरुषार्थ बाय वेकिंग अप एट 2 o'clock एट नाइट। हम तो 1 बजे से उठते थे दूसरों को भी उठाते थे। आई यूज टू गेट अप एट 1 o'clock एंड वोक द अदर्स टू। हमारा ये पद क्यों बन गया। देन व्हाई डिड माई स्टेटस बिकम लाइक दिस। कर्मों की बहुत बुरी गति अभी चल रही है। द वेरी सीक्रेट कोर्स ऑफ एक्शंस इज गोइंग ऑन नाउ। उस बुरी गति पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया। इफ यू डोंट पे अटेंशन टू दैट सीक्रेट कोर्स नाउ तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिपेंट अ लॉट। आपका घर है। दिस इज बाबाज हाउस। बाबा इज इंडीड स्वीट। बाबा तो कुछ नहीं कहता। बाबा डजंट से एनीथिंग। क्योंकि बाबा का अभी गुप्त पार्ट भी चल रहा है। बिकॉज बाबा इज ऑल्सो प्लेइंग अ हिडन रोल नाउ। गुप्त पार्ट जब तक चल रहा है। एज लॉन्ग एज द हिडन रोल इज गोइंग ऑन तब तक बच्चों की अवस्था में कभी निश्चय और कभी अनिश्चय चल रहा है। द स्टेज ऑफ फेथ एंड डाउट इज गोइंग ऑन इन द स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन। लेकिन ये गुप्त पार्ट भी आखिर कब तक चलेगा। बट हाउ लॉन्ग विल दिस हिडन रोल गो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा क्या। विल इट कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। चलता रहेगा या अब टाइम पूरा होने जा रहा है। विल इट कीप ऑन गोइंग लाइक दिस और इज द टाइम गोइंग टू बी ओवर नाउ। अब जो 7 साल राजधानी स्थापन होने के बताए वो टाइम पूरा हो चुका।
Now the period of 60 years of the establishment of the capital that were mentioned are over. एक साल जो रुंग का दिया था वो भी पूरा हो चुका. A bonus year that was given is also over. 37 से यज्ञ की आरंभ हुआ. The yagya was established in the year 36. और 97 तक. And till the year 97. कौन से 97 तक? Till when? 97 तक. 7 साल पूरे हो गए. Till 97, 60 years were completed. और एक वर्ष रुंग का 98. And 1 year, 98 as a bonus. वो भी पूरा हुआ. That is also over. अरे उसे भी तो ये आगे बढ़ गई. Now the needle of the clock has moved ahead of it. बिल्कुल पका पड़ा है. कोई की नजरों में वो राजधानी दिखाई पड़ रही है. Some are able to see that capital. जितने ऊंचे कोई आती है उनको वो राजधानी सामने दिखाई पड़ रही है. Those who are the elevated purusharthis are able to see that capital right in front of them. वो संगठन दिखाई पड़ रहा है. That gathering is visible to them. और कोई कोई को दिखाई नहीं पड़ रहा है. And some aren't able to see it. तो भूले जाती कितने होंगी. So who will commit more mistakes? जिनको वो नया संगठन दिखाई नहीं पड़ रहा है उनसे जाती भूले होंगी. Will those who aren't able to see that new gathering commit more mistakes? या जिनको वो स्वर्गीय संगठन दिखाई पड़ रहा है राजधानी स्थापन हुई दिखाई पड़ रही है. और विल दोज हु आर एबल टू सी दैट हेवनली गैदरिंग दोज हु आर एबल टू सी द कैपिटल एस्टैब्लिश्ड उनसे ज्यादा भूले हूँ कमिट मोर मिस्टेक्स. ये अपनी अपनी आंख है. दिस इज एवरी वंस ओन पॉइंट ऑफ व्यू. ये दृष्टि का वरदान मिल रहा है मिल चुका है. यू आर रिसीविंग दिस बून ऑफ दृष्टि मीनिंग विजन. You have already received it. Mila hua hai. You have received it. Mil chuka hai. Koi ko mil raha hai. Some have received it. Some are receiving it. Koi ko vardaan lene mein abhi bhi lage hue hai. And some are still trying to obtain that boon. Abhi, wo drishti parivartan ka samay hum brahman bachchon ka pura hone ja raha hai. Now the period of the transformation of drishti for us Brahmin children is going to finish. ब्राह्मण माना ब्राह्मिन्स मीन्स कितनी संख्या. वॉट इज देयर नंबर. 9 लाख. 900,000. ब्राह्मण माना जो पवित्रता का विरुद्ध लेने वाले हैं. ब्राह्मिन्स मीन्स दोज हु टेक द प्लेज ऑफ प्यूरिटी. 16,108. दे आर ओनली 16,108. ब्राह्मण माना जो राजयोगी है. ब्राह्मिन्स मीन्स दोज हु आर राजयोगी. राजयोगी नहीं प्रजा तो 9 लाख होगी. दे आरंट प्रजा योगी. द सब्जेक्ट विल बी 900,000. लेकिन क्या है. बट वॉट आर दे मीनिंग द 16,108. राजयोगी. दे आर राजयोगी. एक एक बात की एक एक कर्म की एक एक संकल्प की दुनियता को राज को जानने वाले. दे आर द वंस हु अंडरस्टैंड द डेप्थ द सीक्रेट ऑफ एवरी टॉपिक एवरी एक्शन एवरी थॉट. वो है राजयोगी ब्राह्मण बच्चे. दे आर द राजयोगी ब्राह्मीन चिल्ड्रन. और ये ब्राह्मणों का परिवार है. एंड दिस इज द ब्राह्मीन फैमिली. अभी दृष्टि में वो राजधानी दिखाई दे रही है. नाउ दैट कैपिटल इज विजिबल थ्रू विजन. लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है. बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रैक्टिस. इसलिए दृष्टि में है वृत्ति में है प्रैक्टिकल में नहीं है. दिस इज वाई इट इज इन द दृष्टि इट इज इन द वाइब्रेशंस बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रैक्टिस. इसलिए इसका प्रभाव क्या पड़ जाता है. दिस इज वाई वॉट इन्फ्लुएंस डज इट हैव. राजधानी अप्रत्यक्ष में है. द कैपिटल इज हिडन. प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही है. इट इज नॉट विजिबल इन अ रिवील्ड फॉर्म. उसका प्रभाव हम बच्चे के ऊपर क्या पड़ता रहता है. सो वॉट इन्फ्लुएंस डज इट कीप हैविंग ऑन अस चिल्ड्रन. हमारी अवस्था हो तो और मूर्ति बनती रहती. अवर स्टेज कीप्स गोइंग अप एंड डाउन. ये अप एंड डाउन होने का टाइम नहीं है. सो दिस इज नॉट द टाइम ऑफ गोइंग अप एंड डाउन. अभी समय है एक रस रहने का. नाउ इट इज द टाइम ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंट. कहते हैं अंत समय में जितना एक रस कोई रहता है. सो इट इज सेड
द मोर समवन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन हिज लास्ट पीरियड उतना अच्छी जगह जन्म होता है। ही इज बोर्न एट अ गुड प्लेस टू दैट एक्सटेंट और अंत समय में जितना घाबरे आते हैं एंड द मोर यू गास्प एट द एंड टाइम उतना नीची जगह जन्म होता है दुर्गति होती यू आर बोर्न इन अ लो प्लेस टू दैट एक्सटेंट यू डिग्रेड दुर्गति और सदगति ये अभी हो रही है। Degradation and true liberation is taking place now. और 5-4 वर्ष दुर्गति और सदगति का फाउंडेशन नहीं पड़ना है। The foundation of degradation and true liberation is not going to be laid in the 5000 years. अभी जो हुआ तो हुआ। Whatever has happened now, it has passed. End of the cassette.